हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय एकेडमी। मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आई हूँ जो कि है यूनिट वन के वर्ड्स की सीरीज़। इसमें हम जितने भी आपके यूनिट वन में वर्ड्स दिए गए हैं वो सब हम पढ़ेंगे, उसे याद करेंगे, उसे अच्छी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है वह सैनिटेशन वर्ड्स। आप जानते हैं COVID-19 की सिचुएशन है, इसीलिए सैनिटेशन वर्ड्स जो है हमें बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो ये पार्ट वन है यूनिट वन का, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सैनिटेशन के मीनिंग देख लेते हैं। सैनिटेशन जो है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जो कि है सैनस, और इसके मीनिंग है साउंड एंड हेल्दी। सैनिटेशन को हम एक सादी लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि ऐसी चीज़ों को निकाल के बाहर फेंकना, या फिर ऐसी चीज़ों की सफाई करना जिससे कि आपको बीमारी ना आए, इसे हम सैनिटेशन कहते हैं। सैनिटेशन को उर्दू में सफाई और हिंदी में स्वच्छता कहते हैं। गारबेज जो है इसके मीनिंग होते हैं कि जो यूजलेस मटेरियल है या यूजलेस जो चीज़ें हैं उसको निकाल के बाहर फेंक देना, उसे हम कहेंगे गारबेज। तो हमने यहाँ पे दो वर्ड की मीनिंग देखे हैं, पहला है सैनिटेशन और दूसरा है गारबेज। यूनिट वन में आपको सैनिटेशन के वर्ड्स दिए गए हैं। सैनिटेशन के ज़्यादातर वर्ड्स रिलेटेड करते हैं सफाई से, खाद से, और साथ ही साथ बीमारियों से। तो ये पूरे जो वर्ड्स हैं वो इन्हीं तीन चीज़ों से डील करते हैं, और इसीलिए आपको इनके पूरे जो भी वर्ड्स याद करना है, टोटल 5 वर्ड्स अगर आप लेते हैं दिन में से तो भी आपके लिए सफिशिएंट है इसे याद करने के लिए। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि 5 वर्ड्स लिखिए, या वर्ड्स मीनिंग के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो है स्टैगनेंट। स्टैगनेंट जो है इसके मीनिंग होते हैं जमूत, फासिस, या फिर जिसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही हो या ग्रोथ नहीं हो रही हो। सेकेंड जो है वो है डिजीज़, बीमारी। थर्ड जो है वो है हाइजीन, हिफाजत सेहत। फोर्थ जो है वो है फैसिस, जिस्म से खारिज होने वाला मादा। फिफ्थ जो है वो है पैथोजन, यानी के मर्ज पैदा करने वाला। सिक्स जो है वो है ड्रेनेज, यानी के खाली करना। सेवन जो है वो है पोल्यूशन, जिसके मीनिंग है आलूदगी। एट जो है वो है कंटमिनेशन, यानी के आलूदा। 9 जो है वो है बायोगैस प्लांट, हयातियाती गैस। और जो 10 जो है वो है सेप्टिक टैंक, यानी कि वो हौज जिसमें गंदा सयाल मवाद जमा किया जाता है उसको हम सेप्टिक टैंक कहेंगे। यानी कौन कौन से वर्ड है, स्टैगनेंट, डिजीज, हाइजीन, फैसिस, पैथोजन, ड्रेनेज, पोल्यूशन, कंटमिनेशन, बायोगैस, सेप्टिक टैंक। ओके, सैनिटेशन से रिलेटेड जो दूसरे वर्ड्स है वो है कंपोज पिट्स, यानी के हादी छाती। जो दूसरा है वो है हुकवाम, हक कीड़ा, प्रिवेंशन, रोकथाम। सॉक पिट यानी के गढ़ा लेना। इन्फेक्शन, मुतादी मर्स, डिस्पोजल, ज़ाया करना। ऑक्सीडेशन, अम्ले तकसीद, मॉस्किटो, मच्छर। अब इसमें गड्ढे, खाद वगैरह से जो रिलेटेड वर्ड्स है वो जो बताए गए हैं वो है कंपोस्ट पिट्स, फिर उसके बाद है सोक पिट्स, फिर उसके बाद है सेप्टिक टैंक, बायोगैस प्लांट और ड्रेनेज। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो इन्हीं चीज़ों के लिए रिलेटेड है, बाकी के जो है वो आलूदगी या फिर साफ़ सफाई या बीमारी से रिलेटेड है। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। बिकॉज मोर वी शेयर मोर वी हैव। और लास्ट में बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।